तब पटवा जनक बुला रंगशाला में श्री जनक जी ने जानकी जी को बुलाया है। मैं तुझसे आज अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और दो खंडों में विभाजित हो जाना ही गणनायक। गणनायक वरदायक दे श्रीहत भये हारही राजा बैठे सारे राजा श्रीहीन हो गए, वापस अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। जब ये जनक जी ने देखा अकला उठे नृपन बिलो जनक अकुला ने बोले बचन
जाने। महाराज जनक जी अकुला उठे, आखिर क्यों नहीं जिस पिता की पुत्री का स्वयंवर हो, सारे वीर त्रिहीन हो जाएं, सारी आशाएं टूट जाएं, आखिर उस पिता के हृदय की वेदना को कौन समझेगा। और वही वेदना आज जनक जी के हृदय से द्रवित होकर के बहने लगी, और वो वेदना जो रोष का रूप धारण करने लगी, तो कहना पड़ा कि बोले बच्चन रोष जन उसाने। आदरणीय धर्म समाप्त हो गया आपका पराक्रम, समाप्त हो गया आपका साहस। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए, अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखो ना कि ये पाए थे नीचे और ये नीचे जा जब ये सीरी हत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कह सकते हैं कि महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने सात महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई। सात महाद्वीप, जम्बूद्वीप, प्लाचद्वीप, सालद्वीप, कृष्णद्वीप, प्रोन, साक और पुष्कर, सात महाद्वीपों मैंने मुनादियां करवाई, जिनको आप लोग सुन करके आए। तो है कोई ऐसा भोपाल, है कोई ऐसा नेपाल? अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पिंड की पूर्ति कर दी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पिंड की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता, देख ले आप सभी कि आए कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आ रही है कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरुकी रती आती कामेटी तो ये रचो न धनु
दामेंडी आज मुझे आभास हो गया कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा था, अरे मैं क्या संसार का प्रत्येक पिता सोचा करता है, संसार की प्रत्येक मां चाह करती है। मैंने चाहा था कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो समय आएगा जब मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा, लेकिन आज आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? क्या मैं अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाऊंगा? क्या मेरी बेटी डोली में बैठकर कभी नहीं जाएगी? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, देख लो मेरे बेबानों। हाँ कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी को प्राप्त किया था। मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों के परामर्श से मैंने हल घर्षण किया और जिस समय हल घर्षण किया तो ये वसुंधरा से प्राप्त हुई मुझे बेटी, पृथ्वी से प्राप्त हुई है सीता। कितने कष्टों से मैंने इसका लालन पालन किया है ये आप सभी जानते हैं मेरे बंधुओं। पाड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा या हाय पति मेरी ये कैसी मारी गई आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। असीता बेटी मेरी आज कुआर
देख रहा हूं समाज में बहुत से ऐसे पिता उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, आज ऐसे भी पिता बैठे हैं समाज में, ऐसी भी माताएं बैठी हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती है मेरे बंधुओं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे पिता ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटियां, और आज वही बेटियां, आज वही बेटियां सयानी हो गई, वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस मां से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, वो बेचारी मां, उस मां को रात में निद्रा तक नहीं आती। अरे पूछो उस बेचारे पिता से जिसके घर में सयानी बेटी होती है, वर की खोज में न जाने कहां कहां तक जाता है, सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी बेटी के योग्य वर मिलेगा। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते, कैसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई नहीं तू वह कल दुख क्या जाने अजिने पावा बेवाई ये फटी नहीं तू वह पीरे पराई क्या जाने। बड़े भागशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। पुत्र का होना ये भाग की बात है मेरे बंधुओं, पुत्र का होना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है जिनके घरों में बेटियां हैं। आपने देखा होगा, एक आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूं, ले चल रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा जब पहली बार बेटी अपने ससुराल को जाती है। मेरे मित्रों, प्रथम बार जिस समय बेटी अपने ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लग रही है और कहती है मां मां आज मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूम चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है बेटी मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया और आज आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी मां स्वयं बेटी को सीने से लगा करके और फूट फूट करके रोने लगती है।
खुर कहती है बेटी एक समय वो था जब मैं दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी, आज तू दुल्हन बनकर के जा रही है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज क्या से ये क्या हो गया। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मेरी बेटी इतनी जल्दी सयानी हो गई कि आज मेरे आंखों के समक्ष मेरी बेटी मुझसे विदा होके जा रही है। आज क्या से ये क्या हो गया, आज क्या से ये क्या हो गया। हाय पिदिना ये रूठी गया, आज पिदिना ये रूठी गया। लेकिन सबसे बात जिस समय पिता बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे मित्रों चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो याद रख लेना, जिस समय अपनी बेटी को लेकर के अब पिता डोली में बेटी को बिठा करके विदा करता है तो अनायास अनायास उस पिता की आंखों से अश्रु की नार बह निकलती है। कितना भी कठोर पिता हो और जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा करता है उसकी आंखों में अश्रु बह निकलते हैं। क्यों? बेटी तो हृदय का टुकड़ा है। आज वो पिता जानता है कि मेरा घर सूना हो गया, आज बेटी चली गई, मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को डोली में बिठा करके बेटी को विदा करता है पिता। डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब हो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है मेरे बंधुओं। इसके पश्चात जिस समय लौट करके घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है कि कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। जब वो पिता देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है? करता क्या है वो कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, तभी मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटी अगर पिता का कोई सम्मान करने वाला है घर में तो वो है उसकी बेटी। पिता का कोई मान बढ़ाने वाला है तो वो है उसकी बेटी। पिता की देखभाल करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। एक पिता जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है
दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी दूसरी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इसी जगत में, और ये सब स्वार्थ के अरे पर बेटी अपने निज पिता से अकरती साची प्री, बस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पूर्ण नर सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लेकिन आज सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे पंडित शांत हो गए। क्यों? देखो ना कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, कहां गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला, तो ज्ञान कहां चला गया? इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने कहा है? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का परदाने कहा है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, मन जाई राजो विनीशो बरसाज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जाना रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान, जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुआरी अरे राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी, या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पल बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए,
और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है, क्या जाना है मैंने, क्या समझा है मैंने। एक बात और ध्यान देना, एक बात निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, सभी से मेरा निवेदन है, एक प्रार्थना है मेरी, स्वीकार कर लेना आप सभी। कौन सी? कि जीवन में मिल जाए। मेरे मित्रों, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। व्यास जी महाराज, एक ऐसा धनवान व्यक्ति था जिसे मैं बखूबी जानता था, जिसको मैंने देखा, इतना धनवान व्यक्ति था कि धन कमाने में इतना व्यस्त रहा, घर में सयानी बेटी बैठी थी, धन कमाने में इतना व्यस्त रहा कि उसे इतना समय नहीं मिल सका कि वो आकर के अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। किसी दूसरे के द्वारा बेटी का कन्यादान किया गया। मेरे बंधुओं, अब आप लोग जरा सोचिए, इस संसार में उससे बड़ा अभागा कौन होगा? उससे बड़ा भागा। और आप सुन रहे हैं जनक जी की करुणामयी वाणी, प्रभावित हुए आदरणीय बदेला राजपूत जी, ऊंची बकरी वाले, उनकी ओर से कई पत्र मुद्राएं श्री जनक जी के करुणामयी विलाप पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जरा ये बताएं, उससे बड़ा अभागी इस संसार में कौन होगा? जिसके पास धन का माल लगा हुआ हो, धन की कोई कमी ना हो, और बेटी का कन्यादान कोई दूसरा करे, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा नहीं। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना आप। मैं सिर्फ एक बात कहा करता हूं, और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी। इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर मेरे मित्रों, क्या नहीं मिल सकता है? श्रवण करें, जीवन में मिल जा धारा में आकार में हजार परा परिये कन्या दान जगे अमिले न पारम बार पर ये कन्या दान जग अमिले न पार बार। एक बात और बेची, लोग कह देते हैं कि अरे भैया बेटी तो पराया धन है, बेटी पराया धन है। आप लोग भी कहते हो कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है ना। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं मानता इस बात को कि बेटी पराया धन है। मैं जानना चाहता हूं आप समाज से, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला,
विद्वान लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर बेटी पराए धन है तो फिर पराए धन का दान कैसे? दान अपनी वस्तु का होता है कि पराए की? अगर पराए धन है तो पराए धन का दान कैसे? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराए धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं फिर लोग दान? बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, हमारा धन है, तभी तो हम कन्यादान करते हैं, तभी तो हम दान देते हैं। तो गर्व से इस बात को कहो कि बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है। अपने धन का दान किया जाता है, पराए की धन का दान नहीं करते। बेटी पराया धन है। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधु को याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधु को कि बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज भी बस कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए, तभी मैंने आज कह दिया। जाना है मैंने, क्या जाना है कि ये अब जानी को आइए माखे फट मानी। क्यों ये पीरे पीरे और ये मही मैं बात बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रेम की पूर्ति कर दे। अब एक कार शेष रह गया है, अब वही कार आप लोगों को करना है। कौन सा कार? कि अब ताजा हूँ आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखाना भी ये बैदे ही पिवाओ। ले जाओ सीता की सखियो, सीता को ले जाओ निकारों की समाज से, देश के संत से आए हुए निपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अवनिका, रंग ने भगा दो निपाल को। फरकत नयन रसोंगे। श्री जनक जी की घोषणा हो गई, रघुवंशी ठाकुर लक्ष्मण जी जिनकी भौंय तन गई। कह न सकत रघुवीर जय लगे बचन जनु बाण, नाय राम पद कमल से बोले गिरा प्रमाण।
मिथिला मंज महोत्सव में उपस्थित रकुल के नायक, रकुल के रक्षक, सर्वज्ञ सर्वाधार, सर्वात्माओं में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे आराध्य, सुना अपने आज हरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। राजा ने कह दिया अब चल कहू माखे भगवानी अवीर विहीन महिमा जानी। अरे ये तो वीर भोग क्या सुन रहा है, ये वीरों को जन्म देने वाली है, या भला अवीरों से विहीन कैसे हो जाएगी। आज राजा ने विचार नहीं किया और बिना विचारे वाणी का प्रयोग कर दिया जो हमारे लिए सर्वथा निश्चित है, क्योंकि रंग वैष्णव राजा को होई ये कई समाज अस कहे रखोई कही चलक जस अनुचित वाणी। अरे विद्वान रकुल मणि जानी स्वयं अनुकुल पंक भानु काउ स्वाव न कछु आई मानु जात भार अनुशासन पाऊ ता खन्ने के प्रभान उठा बार थारो छात्र गर्दमी ताप ता बलात जोल खरा प्रभु पद समाधे ता कर्ण धरो। शयन ही रघुपति लखन वारे प्रेम समेत निकट बेटा। शांत हो जाओ भैया, ये समय क्रोध करने का नहीं है, ये समय तो शांत रहने का है। ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह भी नहीं हो रहा है, मिथिला के सभी नर और नारी बहुत दुखी हैं। भैया क्रोध का परित्याग करो और धैर्य धारण करो, भैया शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी बोले अति स्नेह मेहरबान। परमात्मा राम अब तुम्हें बैठने की आवश्यकता नहीं, उठो राम भंजो भौचापा मैटहु तात जनक प्रतापा। जाओ इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित कर दो और जनक जी के संताप को दूर करो। लखन लखे रघुवंश मनिता के हर कोटन पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। तीज कुंद्र कमठ है कोला धरम धरणी धरधीर ननोला, क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोरा। ओ सजग सुनी आयु सुमोर मेरी अज्ञवर कर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा विषादन चाप समी पर जब आए नर नारायण मन सुख रमना गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना राम मत धन तोरा हरे भवन घनघोर कठोरा प्रभु दोई जाप खंड मई डाले।
माला जनक की दुलारी चली देख माला जनक की सखी लग कहा बुझाई पहरावो जयमाल सुहाई। आप चुप जाइए, देखो ना हमारी किशोरी जी हाथ में जयमाल ली खड़ी है, हम खड़ी हैं, लेकिन आप झुक जाइए। झुक जइयो तनक रग भी लली बड़ी छोटी है, झुक जइयो के गले में माता जानकी ने बरमाला डाली। करही आरती पुर नर नाम चावन भित विशार। आगे तमाम मिथिलापुरी की नारी भगवान की आरती करने लगे हैं। चले भाई, जिनको आरती करनी है एक मिनट का समय है, आवे और माता जानकी जी प्रभु श्री राम जी की आरती करें। एक बार सभी लोग बड़ी जोर से घोष करें, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय हो। आवे सभी लोग जिनको भगवान की आरती करनी हो तो आप लोग आरती करें। और सुंदर आप लोग लक्ष्मण जी और परशुराम जी का सुंदर संवाद सुनेंगे। कानपुर महानगर से पधारे हुए हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी। अरे पंडित दूल्हा छप देखे
भगवान की बने दूल्हा छत देखे भगवान की धन बनी सिया जहन ऐसे चूल्हा अपन बिहारी जैसे दुल्हन जनक दुलारी की शोभा सड़ जानी बने चूल्हा बने दूल्हा के भगवान की बनी सिया जानी बने दूल्हा छब के को भगवान की दुल्हन बनी सिया जानी की छत्री के भोपर लाल जिनको भाई आरती करनी हो ज्यादा ज्यादा एक ही मिनट का समय है, आप एक दुपट्टा जल जाए, एक दुपट्टा जल जाए। भाई कमेटी के जो सदस्य हैं आरती कर जाए क्योंकि ये समय नहीं मिल रही। और चले भाई जिनको आरती करनी हो सभी लोग हमें और हमारे मार साहब जी आइए, हमें निछावरी भिजवाइए मार साहब निछावरी हमको सहनाइयों की सदा कह रही है उसी की मुबारक खड़ी आ गई है। 500 रुपए चाहिए मार साहब, 500 रुपए छावरी मार साहब, 500 रुपए छावरी चाहिए। सजी सुर की जोड़ो में ये चांद सी तुल छवि पर लक से परी आ गई है। Yeah.
तेरी गली बाबुला, तेरी बाहों के झूले में पली बाबुला, तेरी बाहों के झूले में पली बाबुला, तेरी बाहों के झूले में पली बाबुला, जानी छोड़ कर ये भाई एक मिनट का समय जिनको आना है लीजिए, आ रही माता है मैंने और